कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार के दौरान क्या रही प्रदेश की स्थिति, मैं स्वाति कर्नाटक चुनाव से बिल्कुल पहले रूबरू कराना चाहूंगी उसकी बारीक जानकारियों से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्नाटक विधानसभा 2018 के चुनाव 12 मई को होने हैं, वहीं इसके नतीजे 15 मई को घोषित होंगे। इस बार के चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस को बराबर की टक्कर दे रही है बीजेपी और जनता दल सेकुलर। कर्नाटक चुनाव के पिछले कई दशकों में हम ये साफ देखते आ रहे हैं कि हर चुनाव के बाद वहां की सत्ता में बदलाव जरूर होता है। इसलिए कई राजनीतिक जानकार इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि सिद्धरमैया सरकार को अपनी सत्ता बचाने के लिए इस बार काफी हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। चुनावी प्रचार के दौरान ये देखा जाता है कि पार्टियां खुद को बेहतर और विपक्षी पार्टियों को बदतर बताती हैं। तो आइए देखते हैं विकास के पांच प्रमुख मानकों पर कैसा रहा सिद्धरमैया सरकार का 5 साल का कार्यकाल। सिद्धरमैया साल 2013 में राज्य के मुख्यमंत्री बने। बात राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विकास की करें तो उनके कार्यकाल में राज्य की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई दिखती है। इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि सिद्धरमैया सरकार के 5 सालों में कर्नाटक की साक्षरता दर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। महिला हो या पुरुष, दोनों का स्तर सिद्धरमैया सरकार में समान रहा है। कर्नाटक हो या कोई अन्य राज्य, भारत में अभी तक शिक्षा का प्रसार प्रचार पर ही जोर रहता है। ग्रामीण इलाकों में किए गए विभिन्न सर्वे में यह बात बार बार सामने आती है कि गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की क्लास से उनके शैक्षणिक विकास का पता नहीं चलता है। साल 2016 तक ग्रामीण स्कूलों में 8वीं में पढ़ने वाले 70% बच्चों का शिक्षा स्तर दूसरी कक्षा के बच्चों जितना ही था। यह बात साफ है कि इस दिशा में सिद्धरमैया सरकार का प्रदर्शन दयनीय रहा है। परिवहन विकास का प्रमुख मानक है, खासकर सड़क परिवहन। सामान्य लोगों के आवागमन के साथ ही माल ढुलाई और जरूरी उत्पादों का उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सड़क परिवहन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस मामले में सिद्धरमैया सरकार का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी कर्नाटक में जो सरकार रही है उनका प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत की दृष्टि से हमेशा ही आगे रहा है। सिद्धरमैया सरकार के कार्यकाल के दौरान यह बात भी काफी उल्लेखनीय है कि उन्होंने अपनी हर एक विकास की योजना को आम जनता तक पहुंचाया है।